महीने तक रोजा रखने के बाद ईद मनाई जाती है। ईद अल फितर के दिन मुस्लिम समाज के लोग पूरे एक महीने के रोजे के बाद दिन के उजाले में पकवान खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। यह पर्व आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। इसी कड़ी में गुरुवार को पवई नगर में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा सुबह सुबह नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह में पहुंचकर नमाज अदा की गई एवं एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इस दौरान ईदगाह के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा। सबसे पहले अहले वतन को ईद की मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। जैसा कि हम जानते हैं कि रमजान के बाद ईद का ये त्यौहार मना और हमारे यहाँ पे प्रशासन ने हमारा मत साथ दिया, उनका मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हमारे मस्जिद के सदर सेक्रेटरी ने बहुत सहयोग दिया और हमारे मस्जिद के इमाम ने काफी अच्छी तरह से नमाज पढ़ाई और शांति अमन के लिए पूरे देश के लिए दुआएं मांगी। बस मैं देश के लिए ये पैगाम देना चाहूँगा, नफरत ना पाल, नफरत दिलों में निकालो इसे, दिलों में है खालिश निकालो इसे, न मेरा न तेरा, न इसका न उसका, हम सबका वतन है संभालो इसे।